यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कि नेशनल एंथम यकीनन हमारे मुल्क का जब पढ़ा जाता है जनगण मना, तो एक हमारा सीना फखर से चौड़ा हो जाता है और एक एक एक, एक कैफियत तारी हो जाती है। तो मगर इसको थिएटर में चलाएंगे आप? मैं तो शुरू से कह रहा था कि थिएटर में मत चलाइए। जब पार्लियामेंट शुरू होगी, हमारा कोई जब नेशनल फंक्शन होगा, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, अगर हमारे एशियन गेम्स में हमारा कोई हिंदुस्तानी एथलीट कोई गोल्ड मेडल जीतता है या मेडल जीतता है, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, यकीनन इसमें होना चाहिए। तो ये मकसद क्या था बीजेपी का कि अपना एग्रेसिव नेशनलिज्म प्रमोट करना? अब देख लिए कि ज़मीन पर इनकी दाल नहीं गल रही है, लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान का नौजवान ये पूछ रहा है कि भाई नौकरी कहाँ गई, महंगाई कैसा कंट्रोल करेंगे। देखिए, जो भी लाहे अमल तय होगा वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तय किया जाएगा। आप भी मेंबर हैं? बिल्कुल मेंबर हूँ, मगर मैं उसका मेंबर ज़रूर हूँ, मगर जो पोस्ट होल्डर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। और अपनी हमको अपनी बात रखने का डेमोक्रेसी में पूरा हक हासिल है, और मैं समझता हूँ कि हमको जमहूरी अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़े को अपनाते हुए अपनी बात को देश के सामने रखना पड़ेगा और रख रहे हैं, और ये बताना पड़ेगा कि इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कानून है, 498A है, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 CRPC है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते और इस्तेमाल भी होना चाहिए। देश को जिस कानून की ज़रूरत है, जो प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते, वो ऐसे 22 लाख महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है मगर वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते हैं, उनके हस्बैंड उनको नहीं रखना चाहते, जिसमें हमारे 20 लाख के करीब हिंदू बहनें हैं, 2 लाख के करीब मुसलमान बहनें हैं और 90,000 क्रिश्चियन हैं। ऐसा कानून बनाइए आप ऐसा जो कानून बना रहे हैं, इससे मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ नहीं होगा बल्कि नाइंसाफ़ी होगी।